మూరోల్ తర్వాత జ్వరం వస్తా సిల్క్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కర్నే కే లియే థాంక్ యు అగ్రికల్చర్ బాకీ మే బెస్ట్ కల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఇయర్ ఆర్ कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अनमोल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्लॉग चैनल धमाल अनमोल पे। तो गाइस यार, अगर आप एग्रीकल्चर वाले भाई साहब तो सेरीकल्चर आप सभी जानते हो। सेरीकल्चर बोले तो क्या गाइस, जो भी हम लोग सिल्क का कपड़े पहनते हैं वो सब गाइस एक कीड़ा होता है जो सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं, जो कि मलबरी ट्रीज पे आते हैं जनरली, और फिर उनके गाइस लार्वा जो होते हैं उनसे सिल्क प्रोड्यूस होता है, और फिर मतलब पूरा सिल्क का बनने का जो प्रोसेस है वो एक कीड़ा से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग गाइस आए हैं आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, एक जगह जहाँ पे गाइस ये सिल्क वॉर्म वाला एक सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस किया जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे। तो चलिए मैं सीधा आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ गाइस। ये वीडियो पूरा का पूरा नॉलेजेबल पर्पस से मैं बना रहा हूँ, सो प्लीज़ फटाक से लाइक कर दे। और इस वीडियो में बहुत सारा फैक्ट कीड़ों के बारे में, और मतलब कीड़ों नहीं बस मलबरी पे जो कीड़े हो रहे हैं सिल्क वाले उसके बारे में और कैसे क्या प्रोसेस है मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज़ ये लोग तो तेलुगु बोलेंगे लेकिन मैं ट्रांसलेट करवा के आप सभी को समझा दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पे गाइज ये रहा पूरा मलबरी लीव्स, देख सकते हो मलबरी का प्लांट। इस पूरे गाइज होल जो जितना भी आप फील्ड देख रहे हो इसमें गाइज मलबरी का ट्रीज लगाया गया है, जहाँ पे जो भी सिल्क वॉर्म वाले कीड़े होते हैं यहीं से गाइज यहाँ से कैप्चर किए जाते हैं, और फिर कैप्चर करने के बाद गाइज अंदर जाता है ये फैक्ट्री देख सकते हो आप गाइज। ये फैक्ट्री नहीं मतलब सिंपल सा एक बहुत बड़ा सा हॉल है और जिसके अंदर वो काम हो रहा है। और यहाँ पे गाइज चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अभी देख सकते हो गाइज यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट लेयर बनाया गया है, देख सकते हो लेयरिंग वाइज बनाए गए ये टेबल वाले स्ट्रक्चर, और इनके ऊपर गाइज आप जो ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हो उन्हीं के ऊपर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो गाइज ये कुछ फीमेल वर्कर है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस प्रोडक्शन में उनका ही पूरा हाथ रहता है। और देखो मैं चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हो मेरे दोनों साइड गाइज बहुत सारा लेयरिंग वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जिसके ऊपर गाइज जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। और यहाँ पे गाइज बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का, देखो ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इन्हीं के ऊपर गाइज ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो यही मेन चीज़ है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, और बहुत सारे कीड़ा भी यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे जो गाइज फीमेल वर्कर है हम उनसे बात करते हैं, वो तो हम लोग को तेलुगु में बताएंगे तो तेलुगु तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं स्पेशली जो यहाँ के लोकल होंगे उनसे मैं प्लीज़ थोड़ा सा हिंदी जरूर कहने को बोलूँगा। तो चलते हैं उनके पास और उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे क्या कुछ प्रोसेस है इसका। तो चलिए रोज ना पेपर वैसे मूर् रोज आकेस्ता मूर् रोज तरह ज्वरम वस्तरोज आगता माला नागो रोजू आके मैं पने पोदनोकल इकने बाग चूस पुर्ग मैं चाकता आकता टयांटा माला इवीं ఇట జాలిలేస్తాం మళ్ళీ ఒక నెల తర్వాత మళ్ళీ పంట వస్తుంది ఈరోజు రేపటికి లాస్ట్ ఇటుకి నా పేరు సువాసిని ఈ విద్య చేస్తుంటాం ఈ పని చేస్తాం ధన్యవాదాలు। सुना कैसे उन्होंने बताया, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आओगा लेकिन चलिए मैं हिंदी में, मेरे साथ एक हैं तेलुगु वाले जिनको हिंदी भी आती है, तो मैं उनसे आपको बातचीत करता हूँ और उनको बोलता हूँ आप सभी को गाइस समझा दें। इस लार्वा को हिंदूपुरम अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है हिंदूपुरम से लेके आते हैं, और इसको एक दिन के लिए रेस्ट किया जाता है, लाने के बाद दूसरे दिन से मलबरी लीव्स के ऊपर फीड किया जाता है, जैसा मलबरी लीव खत्म होता है फिर से उसको फीडिंग के लिए देता है। इस तरह वो लोग 3 वीक्स तक फीडिंग कराते हैं, 3 वीक्स के फीडिंग होने तक वो जैसा लार्वा होता है बड़ा होता जाता है, उस तरह 3 वीक्स के बाद ये 5 डेज लेगा लार्वा टू ककून में चेंज होने के लिए, और इस तरह ककून जैसा बनता है वो लाके अपने प्लास्टिक वाले, पहले जो होता था वो बैम्बू वाले उसके अंदर नेचुरल से किया जाता था, मगर अभी बैम्बू नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्लास्टिक के अंदर रख रहे हैं इस वाइट ककून को, और जैसा ये वाइट ककून 1 डे या 2 डे के लिए रेस्ट किया जाता है फिर इसको ले जाते हैं सिल्कल्चर को इंडस्ट्री को सिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए। थैंक यू। तो गाइज आप सभी ने सुना पूरा प्रोसेस भाई साहब क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसका, और मतलब ये गाइज जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपको अब तक जो समझ आएगा होगा, और एग्रीकल्चर गाइज वैसे ही नहीं बोलते हम लोग, जो बेस्ट कल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बाकी में बेस्ट कल्चर एग्रीकल्चर ही है, और बहुत ही ज़्यादा गाइज एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स होता है। यार मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ बेस्ट कल्चर एग्रीकल्चर।